नमस्कार जी, तुसी देख रहे हो फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं डॉक्टर के एस भट्टी। अज असी आए हैं कपूरथला गुरु नानक नगर और जिवें कि तुसी साडे चैनल दे उपर वख वख राजनीतिक पार्टियां दी खबरां देखदे रहिंदे हो और अगे चुनावी माहौल भी गर्म है, लेकिन इस सब दे विच एक अजे नवीं घटना जो इत्थे वापरी है कि एक नवीं पार्टी दा जन्म होण जा रहा कि जिसका नाम आजाद लोक दल और अज इत्थे मीटिंग हुई है। आजाद दिखाओ जी, कैमरामैन दिखाओ, ये सारे मैंबर इकट्ठे हुए हैं और यह मुंडली जिहड़ी बॉडी दसिया जा रहा कि कुछ दिनों में अनाउंस करती जाएगी, लेकिन पार्टी के संस्थापक आजाद लोक दल ये सरदार सुरजीत सिंह जी इतने हाजिर ने, उन्होंने होर प्रतिनिधि सज्जन आए हुए हैं, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। आओ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आ की सर अज असी अपने पंजाब लोक दल जिहड़ी आजाद लोक दल पार्टी आ असी इहदा संगठन करन जा रहे हैं कुछ टाइम विच, उहदे संबंध विच मीटिंग रखी गई हैगी आ, क्योंकि जिन्ने भी साडे सज्जन इस मीटिंग विच आए हैगे आ इह साडे सारे पार्टी दे नाल जुड़नगे, असी बहुत छेती इह पार्टी नूं कामयाब करांगे और आने वाले टाइम जिन्नियां साडियां समस्या साडी हैगियां, साडे मान लो गरीब जिहड़ी साडी पार्टी बनाई हैगी है, ये गरीबां दे हक विच खड़न वास्ते इह पार्टी दी असीं संगठन कीता वा, क्योंकि तुहानूं पता अजकल साढ़े समाज जो चल रहा वा हरेक तरह धीकियां हो रही, किसी पासों किसी प्रशासन हरेक साढ़े गरीब लोगों का धक्का चलता पाया वा, किसी नूं किसी की फैसिलिटी मिलती, तुसीं हॉस्पिटल चल जाओ, उत्थे साढ़े जिन्ने भी आ ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई मैडिकल मिलनी, ना ही उन्होंने कोई टेस्ट दे नाल दी नाल जो एक्सरे हैगी आ मशीन हैगी आ वह भी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वह चीज़ा कारण की है उतो इन्हों का एजेंडा यही होंगे कि लोगों के काम करने सारे लोगों के काम करने गल करती, तुहाडे मन दे विच नवीं पार्टी आरंभण का किवें विचार आया? साढ़े वेखो जी, साढ़े विचार आया भी असी देखिया समाज में भी जड़िया ऑन लैवल ग्राउंड लैवल से पार्टी चल रही वो किसी साफ नहीं दवा रही गई, वो जदों वोटा लैनी होंदिया वा उस टाइम तो हाथ जोड़दियां वा, तो जिस टाइम तो वोटा मिल जाए उन्हों का टाइम लंघ जाता, उस तो बाद साढ़े गोडे जुड़ने पैंदे आ, उन्हां दे गोटे गड्डे रगड़ने पैंदे आ और फिर भी साढ़े काम नहीं होंदे गे, क्योंकि गरीब जिहड़ा गरीब हुंदा वा लेकिन माड़े बंदे दी बांह कोई नहीं फड़दा, असीं इस करके जिहड़ी गरीब नूं गरीब दी हरेक तरह की नाल मोढ़े नाल मोढ़े के सपोर्ट करके ही गरीबां नूं हक दवावांगे जिस तरह सकदा। आजाद लोक दल मतलब गरीब जिहड़े मजदूर लोग आ या बहुत दबे कुचले पिछड़े जिहड़े जिन्हां नाल नाइंसाफी हो रही उन्हां दे नाल खड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल जी, उन्होंने जी सानू 24 घंटे साड़ी जी पार्टी है साढ़े वर्कर है उन्होंने मुढ़े ना मुढ़े सपोज करा, जो सू किसी प्रकार का पता लगेगा किसी धक्का हो रहा उन्होंने मन तन पार्टी साड़ी खड़ेगी। अज इत मीटिंग में आए हुए हैं अंसारी साहब जी, आप उन्होंने भी गलबात करा। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अच्छा जी, आपको कैसे लग रहा है कि जो आज ये मीटिंग हुई है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते? बहुत चंगा जी, क्योंकि तुसी सवाल पहला कर रहे से सरदार सुरजीत सिंह नूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ने पर उन्होंने कथनी ते करनी दे विच बड़ा अंतर आ, पर असी महसूस करते हैं कि अज जिहड़ा आजाद लोक दल पार्टी बन रही है इहदे कथनी ते करनी विच अंतर नहीं होएगा, जो कहांगे वही करांगे, तो इस करके मैं पूरा आसवंद है सो कि ये जिहड़े गरीब लोगों नूं जरूर पार्टी इंसाफ दवाएगी, उन्होंने हक दवाएगी। जातिवाद नूं लैके पार्टी दा की स्टैंड? जातिवाद तो एक बहुत बड़ा साडे समाज लिए कलंक तो कोड़ है जी, इस नूं तो मिटाना बहुत जरूरी है, जातवाद का खात्मा हर हाल दे विच होना चाहिए, इस संबंध में साडी पार्टी कोशिश करेगी कि जातवाद का जिहड़ा खात्मा होवे, क्योंकि समाज दे विच इहदे नाल वंडियां पैंदियां ने, समाज दे विच जिहड़ा इहदा बुरा प्रभाव पैंदा, एक नफरत फैलदी है, इस नूं तो हर हीले खत्म करने की कोशिश करांगे। साढ़े इतने कोई लेडीज़ भी आए हुए हैं, महिला भी आए हुए हैं जो इस पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, असं उन्होंने जरूर जानना चाहेंगे कि वो इस मीटिंग आके किवें महसूस हो रहा है। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं कुलजीत कौर, असं अपनी पार्टी के नाल इस करके जुड़ रहे हैं कि जो अज जुलम हो रहे हैं
सानू चंगी तरीके से सारे पता है। असं हर गरीब के नाल खड़े होना चाहते हैं और सब की सेवा करना चाहते हैं। असं चाहते हैं कि जो धक्का हो रहा है थाने में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, उन्हें बंद किया जाए। और मैं खासकर इस पार्टी इस करके ही जुड़ रही हूँ कि असं गरीबों की सेवा कर सकीए और जो धक्का हो रहा उन्होंने रोक सकी। पार्टियां बहुत बनिया आ, बहुत पार्टियों मैं फेस कर चुकी पई हाँ, पर कि भी कोई भी सानू इंसाफ नहीं दवा पा रहा है। और मेरी पार्टी हर गरीब न हर मजबूर इंसान को इंसाफ दवाओ, चाहे वह लेडीज होवे चाहे जिस दे नाल धक्का हो रहा होवे, असीं उहनां नाल खड़े होवांगे। इह नहीं कल्ली लेडीज नाल, जिस दे नाल भी जरूर खड़े होवांगे जो धक्का हो रहा वा। तां धन्नवाद। इसी पार्टी के आजाद लोक दल के बुलारे भी इत्थे ने, आप उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्री अकाल। मेरे नाम हरजिंदर सिंह, मैं सुल्तानपुर लोधी तो हाँ जी। हाँ जी, अपना नाम दस देना जी। मेरा नाम ज्ञानी हरजिंदर सिंह फक्कर है, मैं सुल्तानपुर लोधी तो हाँ। अच्छा जी, जिहड़ी गल लैके मन के अंदर सरदार सुरजीत सिंह जी साढ़े प्रधान साहब ने आजाद लोक अदाल पार्टी की शुरुआत की है, वो गल मैं बहुत वधिया ते चंगी लगी। वो करके मैं सुल्तानपुर लोधी तो चल के आया, होर बहुत सारे सज्जन जिहड़े आए ने दूर दूर तो चल के आए हैं, क्योंकि बाबा जी की पावन बाणी का वचन है कि सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान, जे चंगे पासे नूं जाइए तो फिर लोग उस गल नूं चंगा कहा करदे ने। सरदार सुरजीत सिंह जी जिहड़े प्रधान ने पार्टी के, उन्होंने एक चंगी सोच मन में लैके गरीब लोगों नूं नाल लैके तुरन की, उन्होंने हैल्प करन की, जात पात नूं दूर करन वास्ते, भावें थाने च किसी के नाल हुंदा होवे धक्का ते भावें होस्पिटल च किसी की लुट हुंदी होवे, वो दूर कराउण वास्ते इन्हां दे मन विच इस गल का ख्याल सी। राजनीतिक पार्टियां नूं असीं माड़ा नहीं किसी नूं भी कहिंदे, पर उन्हां ते रूसा इसे गल दा है, वो गरीब लोगों की बाह नहीं फड़दे ते वो अमीरां दे यार वोटां पै जा करदियां ने, फिर सानूं उन्हां दे तरले मिन्नतां करनियां पैंदियां ने। इह गल मैं नहीं, सारिआं ने हड्डी हडाई हुई है, ते खास करके साढ़े प्रधान साहब दे इन्हां दे जे बहुत सारे केस ने, उन्हां चे जाके आप सही तौर के उत्ते इंसाफ करवाते रहे ने। मन च इस गल का बड़ा इन्हां दे रोस सी भी ये नहीं होना चाहिए, पाड़ा जिहड़ा समाज में अमीरी तो गरीबी का है वो नहीं होना चाहिए, सारे नाल इंसाफ होना चाहिए है। तो दूसरी गल यह है भी इन्हां दा मन च इहो गल है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, सब को मीत हम आपन कीना हम सब ना के साजन। प्रधान साहब जी कहिंदे सन भी भावें मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, जे उहदे उत्ते भी कदे धक्का धक्का हुंदा होवेगा मन दे अंदर है भी समाज विच हुंदा जिहड़ा धक्का है, भावें किसी तरह का भी होवे, भावें धार्मिक होवे, भावें राजनीतिक होवे, भावें समाजिक होवे, उहदे विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी पवेगी, तां ही साडे समाज का भला हो सकता। अज एक नवीं राजनीतिक पार्टी ने जन्म लिया है, लेकिन बहुत ही थोड़े समय च 2022 अगले साल चोणां होण जा रही ने, ते तुसीं सानूं इह चाणना पाओगे कि आने वाली चोणां च इस पार्टी का की रोल रहेगा? अजे तो अज का जो दिन है ये पार्टी के जन्म का दिन है, अजे तो यदि शुरुआत हुई है, आने वाली 2022 दियां जिहड़ियां चोणां ने उन्हां वास्ते साडे प्रधान साहब की सोच के मुताबिक अजे कोई इहो जिहा एजेंडा नहीं भी असीं इलैक्शन विच जाके हिस्सा लवेंगे। अजे तो समाजिक तौर के उत्ते ग्राउंड लैवल के उत्ते आम जनता के नाल राबता किया जाएगा, उन्हां दी कि हुण राजनीतिक चेतनता आ गई है तो फिर उस इलैक्शन के बारे कोई सोची जा सकती है। अजे फिलहाल 2022 दियां जिहड़ियां वोटां ने उन्हां बारे कोई भी इहो जिहा एजेंडा कोई इहो जिहा विचार नहीं है। जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि अज राजनीतिक पार्टी आम लोग आजाद लोक दल का जन्म होया और इसका गठन किया गया, अज इहदी पहली मीटिंग सीगी और इत्थे पतंते सज्जन आए हुए ने मीटिंग दे विच, कैमरामैन दिखाओ। अभी सारिया जानना चाहेंगे जिन्हें इतने हाजिर ने कि तुसी अज जो इस पार्टी का जन्म होया गठन किया जा रहा, तुसी इस अपनी सहमति देंदे हो? कैमरामैन रुपिंदर सिंह के नाल डॉक्टर KS पट्टी, फास्ट न्यूज़ इंडिया।